और बड़ी खबर इसी के साथ इस वक्त की आपको बता दें, जेडीयू आरजेडी में विभागों पर सहमति बन गई है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है, बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार में फॉर्मूला तय कर लिया गया है। गृह विभाग अभी तक तय नहीं हुआ है। न्यूज 18 के चंद्रमोहन की यह खबर इस वक्त आप देख रहे हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, बीजेपी कोटे के मंत्रियों के सीट तेजस्वी यादव के हिस्से जाएंगी। जेडीयू कोटे का सभी मंत्रिमंडल जेडीयू के पास ही रहेगा और कांग्रेस और लेफ्ट को बीजेपी कोटे का मंत्रिमंडल मिलेगा। यानी कि जो सीट बंटवारा है उसको लेकर भी अब यहां पर फॉर्मूला निश्चित कर लिया गया है। गृह विभाग पर अभी बात नहीं बनी है। हालांकि लगातार गृह मंत्रालय तेजस्वी चाहते थे, उनकी ओर से कहा जा रहा था कि उनको गृह मंत्रालय सौंपा जाए, लेकिन आरजेडी को स्वास्थ्य समेत 16 विभाग यहां पर मिलेंगे। जेडीयू कोटे में 19 विभाग आ सकते हैं। और तेजस्वी यादव फिर से बिहार के उप मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तेज प्रताप को इस बार बिहार सरकार में क्या पद मिलेगा, इस पर अभी भी सबकी नजर टिकी हुई है। महागठबंधन की सरकार बनने पर क्या कहना है दोनों भाइयों का, आप सुनिए। सरकार बन गई, अब सबको लोगों को रोजगार मिलेगा, लाखों करोड़ों को रोजगार मिलेगा। जिस तरीके से तेजस्वी जी ने इधर देखिए ना, तेजस्वी जी ने जिस तरीके से कहा था कि 10 लाख रोजगार देने का काम होगा, अब वो समय आ गया है कि बिहार में जिस तरीके से खेला हुआ है और उस खेला का रिजल्ट ने दिखाने का काम किया है। भाई हम लोग चाचा भतीजा लोग हैं, लड़े भी हैं, आरोप भी लगाए हैं, लेकिन 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 हम लोग तो समाजवादी लोग हैं ना, तो हमारी जो पुरखों की विरासत है वो कोई और ले जाएगा क्या? हम लोगों का अधिकार नहीं है क्या? तो हर घर में लड़ाई होती है, हर भाई में बकझक होती है, तो उस पे ध्यान नहीं देना। उधर नीतीश कुमार को बिहार में महागठबंधन का नेता चुने जाने के बाद राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने शुभकामनाएं दी। राहुल गांधी ने फोन पर नीतीश कुमार से बात की, इसके बाद सोनिया गांधी ने बधाई दी। वहीं सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार को यूपीए का संयोजक बनाया जा सकता है। उधर कहा यह भी जा रहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार विपक्ष के पीएम पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। आपको बता दें कि पिछले 2 दिन के अंदर बिहार की राजनीति में जबरदस्त उठापटक देखने को मिली है।